हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे, खुश, मस्त, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक करेंगे। इसके एक एक हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और किस बेस पे क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन क्या आते हैं विद एग्जाम्पल, जो है ना, एक एक चीज को हम समझेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें पॉलिनोमियल से हम स्टार्ट करते हैं। पहले पॉलिनोमियल क्या होती है, फिर वो इक्वेशंस बनती है, फिर उसके रूट्स और सॉल्यूशंस निकलते हैं, फिर जो रूट्स और सॉल्यूशंस निकलते हैं वो कैसे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कैसे जो है ना हम किस टाइप से उस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, कॉमन रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो है ना फिगर्स कैसे बनती है, मतलब उसको प्लॉट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पॉलिनोमियल से। इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस है, वो सभी आपको पता ही है, ठीक है। क्या है सिंपल, ए जीरो मतलब ए नॉट, ए वन, ए टू, ए अप टू सो ऑन ए एन कोई भी रियल नंबर है, एंड एक्स कोई भी रियल वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल है और ये सारे के सारे रियल नंबर है, मतलब ये कॉन्स्टेंट ही है एक प्रकार से, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इस सारे को, कि a नॉट x की पावर n प्लस a वन x की पावर n माइनस वन, मतलब इसको याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मेन हमारा जो मकसद है हम उसी पे सारे बात करेंगे। और अगर इसकी फर्स्ट टर्म का कोफिशियंट, मतलब फर्स्ट टर्म का नहीं, जो भी हाइएस्ट उसकी पावर जो होगी उसका कोफिशियंट अगर नॉन जीरो है तो उसे हम उसकी डिग्री उतनी हो जाएगी जितनी उसकी डिग्री एक्स की पावर एन है, तो एन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो नहीं लगाएंगे, जीरो जब लगाएंगे तो वो इक्वेशंस बन जाएगी, वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, आ सकता है, अदरवाइज आएगा नहीं आपके पेपर में। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो हाइएस्ट इसकी पावर कितनी है, टू है, और कोफिशियंट कितना है, वन है, तो वो जीरो नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर टू है, तो वो डिग्री टू की पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ये क्या है, एक सेकंड, इस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, बट इसको और क्या बोलते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, बट इससे पहले मेरे को आपको लीनियर बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, आगे बताते हैं। तो अगर डिग्री टू है तो वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर सिंपल है, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस फाइव है, तो एक्स की पावर वन है, तो इसे हम लीनियर बोलते हैं, ठीक है, लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर मैं बोलूं डिग्री थ्री है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए उसके साथ कोफिशियंट कुछ भी आप लगा सकते हो, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, तो डिग्री अगर थ्री है तो उसे हम क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है। अगर डिग्री फोर है, मान लीजिए फोर एक्स की पावर फोर प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस फाइव, ठीक है, कोई भी है, हाईएस्ट देखना होता है, हाईएस्ट डिग्री फोर है, तो उसे हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। सिंपल, यहां तक आपका क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या है, कि कोई भी अगर हम उसको कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना चाहें, तो अगर उसकी पावर वन है तो वो लीनियर है, पावर टू है तो क्वाड्रेटिक है, पावर थ्री है तो क्यूबिक है, पावर अगर फोर है उसकी तो बाई क्वाड्रेटिक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये आती है कि अब हम रियल की बात कर रहे थे, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है, अगर ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन जो भी हमने कॉन्स्टेंट माने थे, ठीक है, रियल क्या मतलब हुआ, कॉन्स्टेंट तो हुआ एक प्रकार से, अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं, अल्फा आयोटा बीटा, आयोटा बीटा के फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में, तो और एक्स जो है मेरा वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो एफ एक्स जो मेरी पॉलिनोमियल बनेगी उसे हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर सिर्फ दो ही चीजें थी, एक तो रियल पॉलिनोमियल, एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल ये चीज होगी, इसी में ही कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी बन सकती है, अगर मेरा वेरिएबल एक्स भी कॉम्प्लेक्स से है, और ए जीरो, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन भी कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करता है, तो वो जो पॉलिनोमियल बनेगी वो मेरी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बनेगी, बिल्कुल सिमिलर बनेगी। उसमें भी ऐसे ही
पॉलिनोमियल, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री वन है तो लिनियर, डिग्री थ्री है तो क्यूबिक और डिग्री फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अब यही जो हमने पॉलिनोमियल बनाई, जो एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी हमने लिखा अभी, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी हमने लिखा, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, मान लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू मैं जीरो लगा दूंगा तो वो एक इक्वेशन कहलाएगी, इज इक्वल टू जीरो लगा दूंगा तो वो एक इक्वेशन कहलाएगी। आपका इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी एफ एक्स इज इक्वल टू ये इक्वेशन है उसे हम सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू ये है तो उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक इक्वेशन, अदरवाइज उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो ये एक है इक्वेशंस, मतलब कि क्या हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू हम जीरो पुट कर देते हैं तो उसी से ही हम रूट वगैरह निकालते हैं, सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब स्टेप बाय स्टेप भी चल रहे हैं, पहले पॉलिनोमियल हमने देखा, पॉलिनोमियल के बाद इज इक्वल टू जीरो लगा दिया तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया तो उसके रूट्स निकलेंगे या सॉल्यूशंस निकलेंगे, आप कुछ भी कह सकते हो। तो उसी को ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बोल दिया। तो रूट क्या है, इस टाइप से कोई ना कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके रूट निकालने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक तो डायरेक्ट मेथड है, उसका फैक्टराइज कर दो, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसमें फैक्टराइज करना भी अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या है, श्रीधराचार्य मेथड। डायरेक्ट पेपर के अंदर कई बार वो फॉर्मूला भी पूछा जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा मेथड है, ठीक है, वो कौन सा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड कौन सा है वो मेरा, कोई भी रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक के अंदर, याद रखना क्वाड्रेटिक के अंदर ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट अपॉन में टू ए, ठीक है, ये क्या है, ए बी सी क्या है, वही चीज है, इसी इक्वेशन, इस टाइप से ही है, कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां पे ए बी सी यहां से कंपेयर कर लेंगे हम, इसके अंदर डायरेक्ट पुट करेंगे श्रीधराचार्य मेथड के अंदर तो हमारे दो रूट निकल आएंगे, ठीक है। और कोई भी एन डिग्री पॉलिनोमियल है या एन डिग्री इक्वेशन है उसके एन रूट ही हो सकते हैं, तो टू डिग्री की है, क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम दो ही रूट हो सकते हैं, जब तक कि वो मॉडुलस वगैरह ना लगाओ तो उसमें फिर प्लस माइनस में अलग चार रूट निकल जाते हैं, वो बात की बात है, लास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मेरा ये वाला है, तो इस मेथड से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो जो है ना, अभी थोड़ा सा बेसिक से चल रहा हूं, हो सकता है कि काफी लोगों को ये चीजें आती ही हो पहले से, थोड़ा सा बेसिक से चल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पांच साल से दस साल से पढ़ाई छोड़ करके बैठे हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, तो इसीलिए उनके लिए भी जो है ना हमने ध्यान में रखना है। तो यह टू जो है, ऐसा कोई टुकड़े बनाओ जो इसका दो आ जाए, गुना करें तो दो आ जाए, मतलब प्रोडक्ट करें तो दो आ जाए, एडिशन करें तो माइनस थ्री आ जाए, ठीक है, टू और वन, माइनस वन और माइनस टू, मतलब कि ऐसे टुकड़े बन गए मेरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स, दोनों को जोड़े तो माइनस थ्री एक्स आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, टू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसको इक्वल आ रहा है, तो मतलब हमारे टुकड़े सही हैं, ठीक है। तो एक्स को यहां से कॉमन लोगे तो एक्स माइनस वन, माइनस टू को कॉमन लोगे तो एक्स माइनस वन, ये दोनों सेम बन रहे हैं तो इसमें से कॉमन ले लूंगा मैं एक्स माइनस टू, ठीक है, और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन और टू, मेरे दो रूट्स आ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी को इस मेथड से अगर हम करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट x इज इक्वल टू माइनस बी, यहां से माइनस थ्री पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर नाइन हो जाएगा, इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट को बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी भी बोलते हैं, वो हम बाद में आगे चल के बात करेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डी अपॉन में टू ए, डी मेरा क्या हो गया, ये वाला हो गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसके बाद जो है माइनस फोर ए सी, ठीक है, फोर ए मतलब एक्स स्क्वायर का ऑप्शन वन है और इसका टू है, ठीक है, ये ए हो गया, ये सी हो गया, टू को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से तो एट आ जाएगा, माइनस का एट सारे का रूट अपॉन में टू ए, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है टू, उससे कंपेयर किया जब मैंने, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, नाइन माइनस एट वन ही आ गया, तो थ्री प्लस वन अपॉन में टू, फोर अपॉन में टू क्या आ जाएगा मेरे पास टू, और थ्री माइनस वन अपॉन में टू अपॉन में टू वन आ जाएगा, टू और वन मेरे दो रूट आ गए, ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पंद्रह दून तीस, पंद्रह और दो, दो टुकड़े ऐसे भी बना लो या ऐसे भी बना लो, वो आपकी इच्छा है, माइनस
प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 टाइम एसी, 4 दुनिया 8, 8 गुणा 15 अपॉन में 2a, 4 आ गया, ठीक है 2a, ए मेरा इसको सॉल्व कर लो, दो मेरे रूट्स आ जाएंगे, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर क्या क्या है, हमने देख लिया पॉलिनोमियल, देख लिया इज इक्वल टू जीरो लगा लिया, इक्वेशंस बन गया, इक्वेशन से जो है ना हमने देख लिया कि रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, रूट्स देख लिए। अब जो है रूट्स का भी एक नेचर होता है कि जो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया ये वाला माइनस बी प्लस माइनस, मतलब दोनों अलग अलग लिख दिए, या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a, ठीक है। तो ये जो मेरा आया, ये जो डी था, ये डी ही था, मैंने अभी आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट है, जहां पे माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2a, ठीक है। तो ये डी जो है इस पे डिपेंड करेगा कि डी अगर जो आया वो ग्रेटर देन जीरो आया, तो यहां पे ग्रेटर देन जीरो आएगा तो रूट के अंदर जो भी चीज ग्रेटर देन जीरो होगी तो वो रियल पार्ट देगा हमें, ठीक है। और प्लस माइनस के कारण दो अलग अलग रूट मिलेंगे, मतलब डिफरेंट रूट मिलेंगे, रियल और डिफरेंट। तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया, अगर मेरा डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, जहां पे डी मेरा क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी का रूट लगेगा वहां पे। और यहां भी जो मैंने आपको बताया था रूट लगेगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे अगर मेरा डी जीरो से बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो सिंपल है, ग्रेटर देन जीरो है तो रूट में वो जो है मुझे रियल देगा, कॉम्प्लेक्स नहीं देगा, वो तो जीरो छोटा होगा तभी तो वो कॉम्प्लेक्स देगा, इमेजिनरी में जाएगा। तो अगर वो जीरो से बड़ा है तो मेरे क्या हो गए, मेरे रियल रूट्स रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। सेकंड मेरा क्या आता है, अगर मेरा डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया, तो ये अगर जीरो हो गया तो सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया तो प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहा, सिर्फ माइनस बी बाई टू ए, दो बार दो रूट आएंगे क्वाड्रेटिक के हमेशा, तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है। थर्ड अगर मैं कंडीशन देखूं, डी मेरा लेस देन जीरो हो गया, अगर मेरा लेस देन जीरो हो गया तो सिंपल सी बात है, अगर ये लेस देन जीरो है तो रूट के कारण क्या हो जाएगा, माइनस थ्री का रूट क्या होता है, रूट थ्री अयोटा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, तो इसीलिए वो इमेजिनरी रूट बनेंगे, ठीक है, तो वो बनेंगे मेरे इमेजिनरी एंड डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट तो बनेंगे प्लस माइनस के कारण, समझ में आती है बात। फोर्थ कंडीशन और क्या है कि अगर मेरा डी जीरो से बड़ा है बट वो अंदर रूट के अंदर जो भी मेरी टर्म आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac डी, वो जो है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रूट से निकल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो वो रैशनल बना देगा। अगर वो रूट से बाहर नहीं आता, मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इरेशनल बनाएगा। रियल के अंदर दो पार्ट होते हैं, आपको पता है रियल क्या है, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही तो है, दोनों ही चीजें उसके अंदर। तो दो कंडीशन और बनेंगी, अगर मेरा जीरो से बड़ा है डी, ठीक है, एंड क्या है परफेक्ट स्क्वायर, एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, देन मैं क्या बोल सकता हूं, देन मेरे रूट क्या बनेंगे, रियल और डिफरेंट नहीं बोलूंगा, रियल क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया तो वो क्या बन जाएगा, मान लीजिए 25 है, 25 का रूट 5 हो गया तो वो रैशनल बन गया, देन रैशनल एंड डिफरेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे ये रैशनल रियल तो होते हैं, होते हैं, बट पेपर के अंदर ऑप्शन के अंदर रियल नहीं दिया होगा, आपको कॉम्प्लेक्स दिया होगा, ये दिया होगा, ये ऑप्शन दिया होगा तो रैशनल होगा, तो माइंड के अंदर ये चीज जरूर आनी चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट और क्या मेरा बन रहा है, अगर मेरा डी जीरो से बड़ा है और डी क्या है, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है,
डी अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मेरे कौन से बन गए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब मान लीजिए 5 का रूट आ गया, रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा, तो वो मेरे क्या हो गए, इरेशनल एंड डिफरेंट, ठीक है, इरेशनल एंड डिफरेंट। एक और कंडीशन बन सकती है कि अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो और इक्वल दोनों मिलकर के आगे तो रियल तो पक्का होंगे, डिफरेंट है यहां इक्वल है तो ये दोनों चीजें कट हो जाएंगी, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सिक्स एक पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो आ जाए तब मेरा क्या होगा, सिर्फ मैं बोलूंगा रियल रूट क्या होंगे, रियल होंगे, समझ में आती है बात, ग्रेटर देन जीरो है रियल और डिफरेंट, ग्रेटर देन जीरो है बट डी जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब रैशनल और डिफरेंट, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इरेशनल और डिफरेंट, अगर वो लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट एंड डिफरेंट रूट, अगर वो इक्वल टू जीरो है तो इक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स, समझ में आती है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सारा का सारा इसका नेचर था, इसे ये बोलते हैं नेचर ऑफ रूट कि क्या क्या ये जो है ना परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर ही हम जो है ना इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सॉरी, देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। फॉर द इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अब यहां पे हमने सिर्फ नेचर की बात करनी है, हमने कोई रूट्स वगैरह नहीं निकालने, नेचर की बात करनी है तो डी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यहां से माइनस 9 है, माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, 81 माइनस 4ac, 4 इंटू ए 7 2 है और c जो है मेरा 7 है, तो 81 माइनस 4 दुनिया 8 856, मतलब मुझे कोई शौक नहीं है आंसर निकालने में, मुझे पता है कि हमेशा क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा, तो ग्रेटर देन डी अगर ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो बात की बात है, पहले ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब रियल पक्का हो गया, ठीक है, और फिर भी हम करके देख लेते हैं, 11 माइनस 6 आ गया मेरा 5 और 7 माइनस 5 आ गया मेरा 2 और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है ना, क्योंकि रूट 25 आता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो ये मेरे क्या क्या बन गए, दो बन गए, ठीक है, दो टाइप से जो है ना ऑप्शन के अंदर पूछा जा सकता है, एक तो मेरा ये बन गया रियल, एक तो रियल बनेंगे ग्रेटर देन जीरो है, रियल एंड डिफरेंट, दो रूट बनेंगे रियल एंड डिफरेंट, या ऑप्शन के अंदर ये भी आ सकता है रैशनल एंड डिफरेंट रूट, ठीक है, रैशनल और डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें अब डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा माइनस 4ac, 4 दुनी 4 गुना 2 गुना 3, 4 दुनी 8 दिया 24, ठीक है, 6 में से 4 गया 2 और 1 12, ठीक है, 12 दिन 24 भारतीय 36 हो गया, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके भी दो बनेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, एक तो हम बोल सकते हैं कि ये वैसे तो ग्रेटर देन 0 तो है ही है, ठीक है, क्योंकि 12 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये, इसे हम बोलते हैं रियल एंड डिफरेंट, या हम क्या बोल सकते हैं कि इरेशनल एंड डिफरेंट, ठीक है, समझ में आती है बात। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है यहां पे 36, ठीक है, और यहां पे 2 और 7 है, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, तो यहां पे 36 माइनस 56, सिंपल सी बात है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो लेस देन जीरो होगा, ठीक है, लेस देन जीरो होगा तो मेरा इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, ठीक है, इमेजिनरी और डिफरेंट रूट, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, सम रिजल्ट ऑन द रूट्स ऑफ एन इक्वेशंस, कुछ इसके और रिजल्ट हम कर लेते हैं, ठीक है, सारे मैं नहीं करवाऊंगा, एक दो बताऊंगा, उसके बाद जो है ना आप रीड कर लेना, पीडीएफ फाइल आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, इसको अच्छे से आप रीड कर लो, समझ में आ जाएगा कि क्या है, अगर कोई भी n डिग्री की इक्वेशन है तो उसके n रूट होंगे, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था, 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे, 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, n डिग्री की इक्वेशन है तो n रूट होंगे, उसके बाद एवरी ऑड डिग्री, यहां से ना मैं हाईलाइटर ले लेता हूं, ठीक है,
एवरी ओड डिग्री इक्वेशन, कोई भी ओड डिग्री इक्वेशन है ना, अगर ओड डिग्री मतलब एक्स की क्यूब है, एक्स की पावर फाइव है या एक्स की पावर सेवन है, तो उसका एटलीस्ट वन रियल रूट पक्का होगा। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे देता है वो कि अगर कोई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस जो है ना एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो कोई इक्वेशन है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, ओड डिग्री की होगी, कि हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, हैज एटलीस्ट टू रियल रूट, इस टाइप से दे देता है ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन लगाना हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, ठीक है, समझ में आती बात। इफ द कोफिशियंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज, जो एक्स का क्यूब का जो कोफिशियंट है, अगर उसका कोफिशियंट की बात की जाए, ठीक है, कोफिशियंट अगर वो पॉजिटिव है, देन साइन ऑफ द रियल रूट्स इज अपोजिट। जो साइन ऑफ द रियल रूट्स आएंगे, जो रियल रूट्स हमारा अल्फा और बीटा मान लीजिए दो रूट्स हैं, वो आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन हमने लिया है, तो तीन जो रूट आ रहे हैं ना, उनका जो साइन होगा मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो अपोजिट किसके होगा, टू द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म होगी ना उसके होगा अपोजिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, पहले तो क्यूबिक इक्वेशन है तो हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, एक इसका रियल रूट पक्का होगा। दूसरी बात वो क्या बोलना चाह रहा है, हाईएस्ट डिग्री जो है ना इसकी एक्स क्यूब की, इसका जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है, इसका कोफिशियंट वन है वो पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। साइन ऑफ द रियल रूट, जो इसके रियल रूट आएंगे ना, तीन रियल रूट आएंगे, उसका वो अपोजिट साइन होगा कॉन्स्टेंट टर्म के, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, वन है, तो वो पॉजिटिव है, तो तीनों के तीनों नेगेटिव रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। कितनी मजे की बात होगी, कितनी बड़ी बात होगी, डायरेक्ट पेपर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको निकालना नहीं पड़ेगा, इसको सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट इस लाइन को अगर आपने ध्यान से याद कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो जो है ना पेपर में डायरेक्ट आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, इफ द कोफिशियंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ इवन डिग्री, अब कोफिशियंट की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री की वो बात कर रहा है, ठीक है, किसकी, इवन डिग्री की बात कर रहे हैं, वहां पे ओड डिग्री की वो बात कर रहा था, यहां पे देखो ओड डिग्री की, इवन डिग्री की बात कर रहा है, इज पॉजिटिव, हाईएस्ट पावर मान लीजिए एक्स की पावर फोर है, हमने कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, तो उसका जो कोफिशियंट है वो अगर पॉजिटिव है, देन कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, लास्ट वाली जो टर्म होगी कॉन्स्टेंट वो नेगेटिव होनी चाहिए, देन द इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू रियल रूट, तो हैज एटलीस्ट टू रियल रूट, डायरेक्ट पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, लगेगा थोड़ी सी थ्योरी है, बोरिंग है, बट पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता, आप सोल्व करते रह जाते हो, पांच मिनट लग जाते हैं, बट आंसर ऐसे देना होता है। दो रियल रूट आएंगे पक्का, वन पॉजिटिव आएगा और वन नेगेटिव आएगा, ठीक है, वन पॉजिटिव आएगा और वन नेगेटिव आएगा, ऐसे ही बाकी की है, खुद पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है हमारा रूट्स इन पेयर और रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशियंट, ठीक है। रूट्स इन पेयर, रूट्स इन पेयर का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए इसके अंदर बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मान लीजिए कोई इक्वेशन है, तो यहां पे ए बी और सी जो है ना वो रैशनल होने चाहिए, एंड ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए जो मेरे इसका कोफिशिएंट है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, तभी रूट्स पेयर के अंदर आएंगे। पेयर का मतलब क्या है, दो रूट्स आएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक की वो बात कर रहा है, ठीक है, वैसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं सारा, ठीक है। तो यहां पे अब है क्या कि अगर मेरा रूट्स आ जाते हैं इस टाइप से, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म के अंदर, ठीक है, रूट्स अगर पेयर के अंदर का मतलब ये है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, तो इसका पेयर एक पक्का होगा, कौन सा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है, ये पेयर के अंदर आएंगे। अगर मेरा रूट आ जाता है अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्म में, तो एक रूट पक्का ऐसा होगा अल्फा माइनस, एक रूट क्या, एक ही रूट होगा, क्योंकि दो ही रूट है, टोटल दो ही होंगे पेयर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गया, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा आएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आ गया, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में आएगा, अल्फा माइनस रूट बीटा की फॉर्म में आ गया, तो अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्म में आएगा, बस इसका यही मतलब है, ठीक है, ठीक है। आगे चल के हम एग्जांपल्स करेंगे तो
जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशियंट। अब जो है अभी तक हमने सारा इक्वेशन देख लिया, रूट्स देख लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है वो देख लिया, मेथड देख लिए, पेयर वगैरह का जो है ना देख लिया। अब हमें रिलेशंस देखना है, रूट्स और कोफिशियंट के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ये मेरी क्वाड्रेटिक की जो है ना जनरल इक्वेशन है। तो जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली कहानी है ना वो यहां से जो है ना स्टार्ट होती है। तो क्या होती है कि सम ऑफ रूट्स, मान लीजिए कि लेट इसके जो रूट है ना अल्फा एंड बीटा है, ठीक है तो सम ऑफ रूट्स जो होंगे, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है सम ऑफ रूट्स मेरा जो होगा माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए, यहां माइनस टाइम बी बाई ए, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो मेरा होगा अल्फा इंटू बीटा वो सी बाई ए होगा। इसके आगे जब जाएंगे ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका क्यूबिक जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बाय क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो और भी ज्यादा आगे चला जाएगा, बट अब हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का पढ़ेंगे, वो आगे चल के जो है ना हायर लेवल पे जो भी अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं जो है आपको क्लियर करवा दूंगा, बट अभी हम क्वाड्रेटिक का जो पढ़ रहे हैं तो लाइन वाइज वही चलता रहे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब ये इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, ये आगे रूट्स, ये रूट है और ये क्या हो गया मेरा कोफिशियंट होगा, रूट्स और कोफिशियंट के साथ आपस के अंदर रिलेशन आ गया। अब जो है अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है, हमने इसी की इक्वेशन लिखनी है तो वो कैसे लिखी जाएगी, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, ठीक है सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है आप पुट करके देख लो आपका आंसर बिल्कुल आपके आंखों के सामने मिलेगा क्या। अब इसी के अंदर में अगर मैं लिखवाता हूं सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये वो, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, माइंड के अंदर ही है ये, मैं लिख देता हूं यहां पे सम ऑफ रूट्स, ठीक है टीजीटी पीजीटी वाले इतने भी छोटे नहीं होते जो ये चीजें लिखवाए, कोई बात नहीं फिर भी लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए सम ऑफ रूट्स है, यहां पे माइनस बी बाय ए पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी बाय ए आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस में अल्फा बीटा क्या है सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। ए मेरा नीचे से एलसीएम आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उधर जाके ये जीरो हो जाएगा, फिर से मेरी इक्वेशन मेरे को वापस मिल गई, ठीक है। तो ये एक लिखने का तरीका, दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वो पूछेगा सम ऑफ रूट्स या वो पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है या वो दोनों के दोनों पूछ लेगा, या वो क्या बोलेगा आपको दो रूट दे देगा अल्फा और बीटा और बोलेगा उसकी इक्वेशन निकालो, दो रूट है उसकी इक्वेशन निकालो कौन सी बनती है, या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर पुट करो या ये डायरेक्ट ये मेथड लगा के आंसर निकाल दो। फिर वो और क्या पूछ सकता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कॉम्बिनेशन या अल्फा अपॉन बीटा का कॉम्बिनेशन या वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, इस टाइप से चीजें जो है ना वो बना करके देता है, यहीं से हमारे क्वेश्चनों की शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रूट, तो इसी पे ही हम सारी बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया अल्फा बीटा हमने देख लिया, रूट्स देख लिया, रूट्स और कोफिशिएंट का आपस के अंदर रिलेशन देख लिया, ठीक है। और एक जो पढ़ा करो ना, एक उमंग उत्साह होना चाहिए आपके अंदर कि हम जो है ना टीजीटी मैथ या पीजीटी मैथ लगने जा रहे हैं, ठीक है और हम एक टीचर बनने जा रहे हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो है ना मतलब हम प्लस वन प्लस टू के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर, ठीक है मार्क्स लाने के लिए, बट इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है, हम टाइम कम दे पाते हैं, कंपटीशन है बहुत ज्यादा, इतने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और कितने कम लोग जो है ना टीचिंग में जा पाते हैं, तो उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी रह जाती है, ठीक है सीटें तो कम है ही है वो सभी को पता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्या है कि अगर आप मेहनत अच्छे से करो, एक एक चीज अच्छे से समझो, तो बार बार चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार या दो बार आप रिवाइज करोगे, थ्योरी बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बार बार लगाने हैं, वो एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के अंदर आपको मिल ही रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, उसको बार बार लगाओ, ठीक है और डाउट्स है तो डाउट लो,
और कोई फिर भी नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नंबर नीचे दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो सारी की सारी फैसिलिटी आपके पास है, पीडीएफ फाइल्स भी है, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस पेपर भी सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो पढ़ना अब आपने है, ठीक है। मेरा करवाना फर्ज है, मैं आपको करवा रहा हूं, बता रहा हूं, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां देखिए सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो करवाया ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा का मैं स्क्वायर ले सकता हूं, अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा आएगा तो माइनस टू अल्फा बीटा ले लेंगे। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन है हमारे सामने यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर हम बात करें, यह हमें पूछ लिया गया, तो हम क्या करेंगे माइंड के अंदर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है, यही चीज है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा मेरा, माइनस बी बाय ए, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए, तो टू इंटू सी बाय ए आंसर आ गया। इसको सोल्व कर लो, बस बात खत्म, समझ में आती है बात, ये हो गया। सेकेंड देखो, वन बाय अल्फा वन बाय बीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एलसीएम लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये तो सिंपल ही है, सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो भी हमें दिया गया हो हमें उसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर ही चेंज करना है। तो सेकंड वाला यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे क्या हो गया सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिख ही देता हूं सम ऑफ रूट्स क्या हो गया माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा मेरा सी बाय ए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, ठीक है, अपॉन में सी बाय ए, ठीक है, जो कटता है वो काट दो, माइनस बी बाय सी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आ गया हमारे पास, हमें क्या चाहिए होता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां पड़ा हुआ है, इसको हमने कैसे सोल्व किया था, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ही वहां पे वो निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस बी बाय ए सारे का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू अल्फा बीटा, माइनस टू अल्फा बीटा क्या है मेरे पास सी बाय ए अपॉन में अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, कोई प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही बाकी सारे के सारे निकाल दोगे, ये मैं बता देता हूं, ये आप करते रहना, क्योंकि दो ही चीजों में हम जाएंगे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। और यकीन मानिए ये जो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूं बना रहा हूं एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना, बुक नहीं उठानी, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चुपचाप अपना फोन पे एक घंटा दो घंटा रोज लगाइए, तीन घंटा रोज लगाइए, इस लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा रिपीट करके देखिए, थोड़ा स्पीड पे लगा लीजिए 1.25 या 1.50, मतलब हाई स्पीड, थोड़ा डेढ़ गुना स्पीड या जिसको जैसे भी समझ में आती है उस स्पीड पे लगा के देखेंगे और भी जल्दी देखा जाएगा, ठीक है, फुल एचडी के अंदर देखिए, और या एचडी कम से कम एचडी तो हो ही, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल माइंड के अंदर एज इट इज उतर जाएगा जैसा कि जैसा यहां पे करवाया जा रहा है, आपको बुक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है और इनटू अल्फा बीटा, तो मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की दिक्कत है, तो वही बात होगी यहां पे, तो अल्फा प्लस बीटा सारे का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा यहां पड़ा है प्लस का अल्फा बीटा, तो यहां पे क्या होगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर है, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं अल्फा बीटा, अल्फा कॉमन लूंगा तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, बीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, तो ये तो सेम ही आ गया सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसी के अंदर ही चेंज करना हमने जो भी करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा लो या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लगा लो, आपका फॉर्मूला पता ही है क्या होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी सारे का क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, तो अब उसमें वो माइनस हो जाएगा थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अल्फा बाय बीटा का स्क्वायर है, बीटा बाय अल्फा का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां पे देखिए अब क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा की पावर फोर हो जाएगा जब मैं
यहाँ से एलसीएम लूंगा और यहाँ हो जाएगा मेरे पास बीटा की पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा सारे का स्केयर, क्योंकि बीटा का स्केयर अल्फा का स्केयर आएगा। अब पावर 4 है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर सारे का स्केयर पावर फोर प्लस 2 टाइम आएगा तो माइनस 2 टाइम कर दो अल्फा बीटा का स्केयर यही आएगा अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता ही है, क्वेश्चन कुछ भी आता रहे हमने पुट्टी करना, यही क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर दिखता है। लास्ट देख लीजिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 करवाने की जरूरत है, कर दिया मैंने अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या आ रहा है ऊपर वाला ही तो आ रहा है, एक सेकेंड क्या आ रहा है मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सारे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो नहीं है हमारे पास, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वो पुट कर दो वही सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकल कर ही आ जाएंगे। ठीक है समझ में आई बात, बस कुछ भी नहीं है हमने पॉलीनोमियल किया फिर उसके बाद हमने इक्वेशंस में वो जो है ना चले गए। ठीक है उसके बाद जो है ना हम करते करते उसके रूट्स का नेचर हमने देखा, उसके बाद जो है ना करते करते हम रूट्स और कोफिशियंट के आपस के अंदर नेचर देख रहे हैं, फिर उसका आपस के अंदर क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशंस। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन सिंपल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से हम जो है ना क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो वो करते कैसे हैं और इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस टेबल को, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले देख लीजिए क्या है, अगर रूट उसने बोला कोई इक्वेशन है उसके रूट है माइनस अल्फा माइनस बीटा, वो इक्वेशन निकालो तो एक्स को हम माइनस एक्स पुट कर देंगे और जो है इसी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स हो जाएगा प्लस का सी इक्वल टू जीरो। ठीक है ऐसे ही बाकी सारे हैं, ये करते कैसे हैं यहां पे देखिए, पेन का कलर हम ले लेते हैं व्हाइट। ठीक है यहां पे फिर दिक्कत करेगा वो। ठीक है तो यहां पे देखिए कुछ भी हमारा आ जाए माइनस अल्फा है चाहे माइनस बीटा, उसको ना माइनस अल्फा है ना उसको एक्स रख दो। ठीक है तो अल्फा की वैल्यू वहां से निकाल लो। ठीक है तो एक सेकंड थोड़ा सा छोटा लिखता हूं मैं, माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स रख दिया तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ गई माइनस एक्स, तो वही हमने पुट किया। ठीक है याद रखने की जरूरत नहीं है, वन बाय अल्फा है तो वन बाय अल्फा को मैंने एक्स पुट कर दिया तो अल्फा की वैल्यू आ गई वन बाय एक्स, तो वही पुट किया। यहां पे देखिए के टाइम अल्फा है, के टाइम अल्फा इज इक्वल टू मैंने एक्स पुट कर दिया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई एक्स बाय में के, एक्स बाय में के आ रही है। ठीक है ऐसे ही अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर को मैंने एक्स पुट कर दिया और अल्फा की वैल्यू मेरी क्या आ गई रूट एक्स, तो रूट एक्स मैंने पुट कर दिया। मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आए कैसा भी आए याद नहीं रखना, डायरेक्ट उसको एक्स पुट कर देना बस। ठीक है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में अभी आपको दिखाता हूं, अल्फा क्यूब है तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू एक्स रख दिया मैंने तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 आया, वही आया। ऐसे ही इसको अल्फा प्लस के इज इक्वल टू मैंने जब एक्स रखा तो यहां पे अल्फा की वैल्यू मेरी एक्स माइनस के आ गई, वही आई है। समझ के बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस पे, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इफ वही चीज ये जो भी है एक्स की जगह यहां पे रख दोगे ये सारी चीज बन जाएगी, इसको याद नहीं रखना। ठीक है ना पेपर के अंदर क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन आए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसके रूट्स हैं देन फाइंड द इक्वेशन विद -2/अल्फा और -2/बीटा, आगे ना दोनों। तो यहां पे बस एक चीज का ध्यान रखना है दोनों सेम रूट आ रहे हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा, 1/अल्फा 1/बीटा, के अल्फा के बीटा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर सेम 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 आ रहे हैं, तो यहां भी -2/अल्फा -2/बीटा, ऐसी एक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स है -2/अल्फा और -2/बीटा। इक्वेशंस कोई भी दियो कोई मतलब नहीं है। ठीक है इन जनरल जो है ना हम क्वेश्चन को करते हैं, तो यहां पे -2/अल्फा है तो चुपचाप क्या करना है हमने -2/अल्फा को एक्स पुट कर देना है,
तो अल्फा निकाल लेना है, अल्फा उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस टू बाई एक्स, बस बात खत्म। अब आप बोलोगे ये चीज तो हमने टेबल में की नहीं थी, तो टेबल में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है जो मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है। डायरेक्ट कुछ भी आए उसको एक्सपुट कर दो, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, वो उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पुट करोगे तो टू एक्स स्क्वायर मतलब माइनस टू बाई एक्स सारे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स मतलब माइनस टू बाई एक्स, प्लस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जो इक्वेशन थी उस पुट कर दिया, आपका आंसर है, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दी हो कोई मतलब नहीं, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स सेम सेम होने चाहिए, बस अल्फा प्लस टू बाई थ्री है तो यहां बीटा प्लस टू बाई थ्री होना चाहिए, सेम सेम आ गए, टेबल कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं याद रखना, चुपचाप क्या करना है, अल्फा प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स पुट कर देना है, अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा थ्री एक्स हो जाएगा, टू उधर चला जाएगा तो माइनस का टू, अल्फा की वैल्यू आ गई थ्री एक्स माइनस टू, चुपचाप इस इक्वेशन के अंदर रख दो, इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, यहां रख दो एक्स स्क्वायर मतलब थ्री एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव टाइम थ्री एक्स माइनस टू प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन करने में मुझे कोई शौक नहीं है, वो आप कर ही लोगे, मेन मुद्दा था मुझे समझाना, टेबल बनाने में और ये चीज करने में पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता है, ये एक एक चीज लिखने में और करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो मेरा साथ अगर आप देंगे तो आपका साथ जो है ना वो भगवान देगा, वो नेचर देगी, ठीक है, और आप आज नहीं तो कल जो है ना आप गवर्नमेंट जॉब पे होंगे और मुझे फोन करेंगे और मुझे मिठाई का डब्बा भी खिलाएंगे, ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ जो है ना हमने आगे बढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से, नेक्स्ट देखिए वो क्या बोल रहा है, रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, कुछ और पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर आप इनको डायरेक्ट याद रख लेते हो, ठीक है, तो पेपर के अंदर डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो, कैसे, देखिए अगर मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो आ जाता है, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट इसका या कांस्टेंट तीनों को जोड़ दें अगर जीरो आ जाता है तो आंसर मेरा रूट्स होंगे उसके वन और सी बाई ए, बात खत्म, ठीक है। बी इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो रूट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, दो रूट्स आएंगे वो नेगेटिव ऑफ ईच अदर होंगे, आप ऑप्शन के अंदर से पहचान सकते हो। सी जीरो आ जाता है तो वन रूट जीरो होगा, b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, बोथ रूट्स जीरो होंगे। अब ये निकल कहां से रहे हैं, वो जो हमने किया था ना कोफिशियंट और रूट्स का जो रिलेशन था वहीं से सारा निकल रहा है। यहां देखिए c जीरो हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो एक रूट पक्का जीरो होना पड़ेगा, प्रोडक्ट अगर किसी चीज का जीरो है तो एक रूट पक्का जीरो होना पड़ेगा, c इज इक्वल टू जीरो है तो वन रूट जीरो, दोनों जीरो तो दोनों जीरो, ठीक है, बोथ रूट जीरो। a इज इक्वल टू c आ जाता है तो रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल हो गए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है c by a, तो वो दोनों सेम है तो वन आ जाएगा, तो दोनों वन, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा वन कब आ सकते हैं, अगर अल्फा रेसिप्रोकल है बीटा का या बीटा रेसिप्रोकल है अल्फा का, वही चीज तो है, बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक टेबल में डाल दिया ताकि आपके माइंड के अंदर वो टेबल याद हो जाती है, वो चीज ध्यान में नहीं रहेगी, दोनों चीजें ध्यान में रखना तो वो रख लो आपकी इच्छा। a और c आर इन द अपोजिट साइन, ए और सी अगर मेरे ए और सी अपोजिट साइन आ गए तो रूट्स अपोजिट साइन के अंदर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया तो रियल रूट्स आएंगे, आपको पता ही है ए बी सी आर सेम साइन, और ए और बी और सी तीनों सेम साइन के अंदर हो तो रियल रूट्स होंगे और बोथ नेगेटिव होंगे, ठीक है, ऐसा आ जाए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए सी आर इन सेम साइन है, बी अगर बी बीच वाला अपोजिट साइन है, ये दोनों सेम साइन के हैं तो बोथ पॉजिटिव होंगे। बी इज इक्वल टू जीरो आ जाए, ए और सी आर इन सेम साइन हो तो इमेजिनरी कंजुगेट रूट्स आएंगे, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सिंपल सा क्वेश्चन है, माइंड के अंदर बस क्या देखना है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ए वन है ये माइनस फाइव है माइनस सिक्स है जीरो नहीं आ रहा, b जीरो नहीं है c जीरो नहीं है, मतलब ये टेबल तो वैसे कट होगी, वन और c के इक्वल नहीं है, तो सिंपल सी बात है a और c अपोजिट साइन के अंदर है,
तो यहां देखिए इसका कोफिशियंट वन है, इसका माइनस सिक्स है, मतलब साइन अपोजिट है, ठीक है ना, मतलब अपोजिट साइन के अंदर है। ए इज इक्वल टू पॉजिटिव है, ठीक है, और सी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन है। तो ये दोनों अपोजिट साइन के अंदर आ गए। अपोजिट साइन के अंदर क्या होता है, रियल और अपोजिट साइन। रूट्स क्या होंगे, रियल और अपोजिट साइन। तो डायरेक्ट पेपर के अंदर ऑप्शन जो आएगा उसमें आप डायरेक्ट वही लगा दोगे, रूट्स आर रियल एंड अपोजिट साइन। ओके रिपोर्ट, यहां देखो थ्री है, माइनस फाइव है, थ्री है, जीरो तो कुछ भी नहीं है, थ्री और थ्री दोनों सेम मिल गए, सेम मिल गए तो बात बन गई, सेम मिल गए, ए और सी सेम मिल गए, ए बी सी बी, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। आपको पेपर के अंदर निकालने की जरूरत नहीं है रूट्स, ठीक है, डायरेक्ट इसी से हो जाएगा, रूट्स आर रेसिप्रोकल। अब देखिए यहां पे वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, थ्री इज इक्वल टू यहां पे माइनस टू है, यहां पे माइनस वन है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, जीरो। ए इज इक्वल टू थ्री है, बी इज इक्वल टू माइनस टू है, सी इज इक्वल टू माइनस वन है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बात बन गई, यहां पे रूट्स क्या होंगे, वन और सी बाय ए। रूट्स मेरे क्या होंगे, एक तो वन होगा, एक सी बाय ए, सी क्या है मेरा माइनस वन, माइनस वन बाय थ्री, दो रूट होंगे। बताओ मैंने पेन चलाया, दो रूट निकाल के आपके सामने रख दिए, कितना शॉर्टकट है, है ना, पेन भी नहीं चलाया, कुछ भी नहीं किया, रूट्स निकाल के आपके सामने रख दिए, चेक कर लो रूट से ही आएंगे। ये टेबल इतनी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, पीडीएफ फाइल आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हम, नेक्स्ट देखिए कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ठीक है। अब हमारे पास, हमने ये भी देख लिया रूट्स आपस के अंदर, ये भी देख लिए चीजें कैसे अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा का क्यूब, इस टाइप से कैसे पूछा जाता है, और उसके बाद ये वाली इसकी जो है ना रूट्स के, एक सेकंड, ये चीजें भी देख ली, ठीक है, क्या पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, और ये नेचर निकालना हमने सीख लिया, ये चीजें होगी, ठीक है, ये वाली होगी सारी, अगर इस टाइप से आ जाए, मतलब सारी की सारी देख ली। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कॉमन रूट, ठीक है, कॉमन रूट आ जाए। अब कॉमन रूट दो प्रकार से वो क्वेश्चन पूछता है, एक बार तो वन कॉमन रूट हो या बोथ कॉमन रूट हो, क्वाड्रेटिक चल रही है तो दो रूट होंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, अगर मेरा, एक सेकेंड, हम ना थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, एक सेकंड, ठीक है, अगर मेरा बोथ कॉमन रूट आ गए, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों के दोनों अगर मेरे रूट कॉमन हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली एक कंडीशन है, ये कब होगा, ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये क्या है, दो इक्वेशन हमने ले ली, क्योंकि दो इक्वेशन होंगी, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तभी तो हम उसमें देखेंगे कि कॉमन रूट है या एक कॉमन रूट है या दो कॉमन रूट है। तो वही बात है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस इसमें क्या लगा दिया, वन 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 टू टू टू, ठीक है, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स, ये बी टू आएगा, ठीक है, बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए बोथ रूट्स कॉमन है तो ये वाली डायरेक्ट है, ठीक है, अगर वो पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि बोथ रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है, ठीक है, तो अगर मेरा वन रूट कॉमन है, वन रूट आर कॉमन नहीं आएगा, वन वन रूट कॉमन, अगर मेरा एक रूट कॉमन है तब मेरा क्या होगा, वो कंडीशन देखिए, सिंपल सा 23-12 वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो ध्यान में रखना हमेशा, 2, 3, 2 के बाद लाइन वाइज चलते जाओ, 2, 3, 3 से आगे तो है ही नहीं, क्योंकि 1, 2, 3 तीन ही तो है कोएफिशिएंट, 2, 3, 1, 2, इसके नीचे सजा दो, क्या सजा दो, 2 मतलब B1, ठीक है, C1, ठीक है, 1 क्या है इसका कोएफिशिएंट, A1 और फिर से B1, ठीक है, सेकंड वाला कोएफिशिएंट
थर्ड वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ऐसे ही ये वाला आ जाएगा मेरे पास बी टू सी टू ए टू बी टू। ठीक है, समझ में आती है बात। तो यहां पे अब देखिए हमारा इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसके साथ 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 करनी है। ठीक है, वो क्या आ जाएगा मेरा, यहां देखिए एक्स स्क्वायर बाय इज इक्वल टू एक्स बाय इज इक्वल टू वन बाय। अभी मैं वो मेथड करवा रहा हूं जो आपने पढ़ा होगा, इसीलिए आपको रिकॉल हो जाएगा। फिर मैं जो मेथड आपको करवाने वाला हूं डायरेक्ट पेपर के अंदर, आप इतना बड़ा नहीं करेंगे, टाइम नहीं होता, हमने शॉर्टकट मेथड से करना है। वो शॉर्टकट मेथड में आगे क्वेश्चन के अंदर अभी आपको बताऊंगा, जस्ट पहले ये वाला आप कर लो। क्या है कि बी वन का सी टू से मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, या माइनस बी वन सी टू, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, बस हो गया काम। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, अब इसकी इससे सी वन ए टू, सी वन ए टू माइनस इसकी इससे ए वन सी टू, इसकी इससे करो ए वन बी टू माइनस इसकी इससे बी वन ए टू। ओके, रिपोर्ट समझ में आ गई बात। अब देखिए ये एक्स है, एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसके इक्वल रख दूं, इसको सोल्व कर लो, आगे बात बनेगी, बट मैं बोलूंगा इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर के अंदर जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर हमने रखना है। ठीक है, ऐसे ही हमने बनाना है, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को आपस के अंदर जो है ना एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर देना, पहले एक्स स्क्वायर को इससे कंपेयर करना है, फिर एक्स स्क्वायर जो भी आएगा उसको इससे कंपेयर करना है, दोनों से जो है ना मेरे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दो रूट मेरे आ जाएंगे। ठीक है, और वो एक रूट आ जाएगा जो कॉमन रूट है, क्योंकि इक्वल हमने रखा हुआ है। बट पेपर के अंदर एक और मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, कि यहां ए वन है ना, यहां ए टू है, इसको ए टू से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ए वन से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को माइनस करोगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा, तो रह ही एक्स जाएगा, तो एक ही रूट आएगा, तो वो क्या रूट होगा, कॉमन रूट होगा। ठीक है, समझ गई बात, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, यहां देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, और टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, इसको कोइंसाइडेंट, ठीक है, कोइंसाइडेंट देन ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब आप बोलोगे यार यहां तो उसने कोई कॉमन रूट नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला, पता नहीं हमें क्या दे दिया और ए प्लस बी दे दिया, तो आपको वहां माइंड में जो है ये चीजें जब क्लियर होंगी ना कॉमन रूट वाली, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कॉमन रूट की ही बात कर रहा है। ठीक है, कंसाइडेंट क्या होता है, उसी लाइन के ऊपर एक लाइन, उसी लाइन के ऊपर एक लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर लाइन। ठीक है, तो जो रूट मेरा होगा, जो रूट मेरा होगा, एक सेकेंड, जो रूट यहां पे मेरा होगा वो एक लाइन पे, मान लीजिए एक लाइन का रूट है ये, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक का रूट होगा तो उसी दूसरी उसी का ही रूट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इस टाइप से कोई इक्वेशन बनेगी, मतलब ये तो मैंने सीधी लाइन ले ली, ठीक है, अदरवाइज इस टाइप से मान लीजिए कोई बन रही है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, तो उसी के ऊपर ही दूसरी है, तो वहां पे जो रूट होगा, जो भी रूट होगा वो दोनों का सेम ही तो होगा, इसीलिए किसकी बात कर रहा है, वो कॉमन रूट की बात कर रहा है, माइंड में आ गई चीजें, ए प्लस बी की बात कर रहा है। तो अब हम जो है इन दोनों से या तो वो मेथड से लगाऊं जो पीछे वाला मेथड अभी हमने किया, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स अपॉन में और इज इक्वल टू वन अपॉन में सारा, बट एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। हम क्या करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पे एक बार मैं हटा रहा हूं, तो ये मेरा आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम प्लस टू टाइम, समझ गए, टू 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 टाइम आ जाएगा, चुपचाप माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये दोनों गए कट, और ये क्या आ गए मेरे पास, टू ए माइनस बी एक्स, टू ए माइनस बी, टू ए माइनस बी आ गया, एक्स कॉमन आ गया, और यहां पे मेरे पास क्या आ गया, टू बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से टू ए माइनस बी इंटू में एक्स इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस टू भी हो जाएगा। यहां पे देखिए ये एक मिस्टेक हुई है, यहां पे एक सेकंड,
ये हमें दोबारा ही लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है, वो ये है कि यह टू नहीं है, ठीक है, यहाँ टू नहीं है, तो यहाँ पे अब जो है टू होता तो सभी के साथ मल्टीप्लाई करते, तब बात थी। तो कोफिशियंट सेम करना होता है तो कोफिशियंट पहले से ही जो है ना इसका सेम है ना, कोफिशियंट पहले से ही सेम है, तो यहाँ पे आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, हमें एक्स स्क्वायर को काटना है, बस किसी टाइप से एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ए माइनस बी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए माइनस बी टाइम एक्स इज इक्वल टू, वो उधर जाएगा तो ए माइनस बी बोथ साइड सेम है तो कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन, एक्स की वैल्यू वन आ गई, तो यहां से मैं वन पुट करूंगा, वन प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। हमें क्या निकालना था, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन, हमें ए प्लस बी निकालना था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंडीशन फॉर सम कोरिलेशन बिटवीन द रूट्स, कुछ और कंडीशंस हैं जो डायरेक्ट जो है ना आप आंसर कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। रूट्स इन द सेम रेशियो, अगर सेम रेशियो की वो बात कर रहा है, जैसे कि ये मेरा एक इक्वेशन होगी, दूसरी मेरी ये इक्वेशन होगी, रेशियो सेम है, मतलब अल्फा वन बाई बीटा वन इज इक्वल टू अल्फा टू बाई बीटा टू, मतलब दोनों रूट्स के रेशियो सेम है, अल्फा वन बीटा वन इसका रूट है, अल्फा टू बीटा टू इसके रूट है, अल्फा वन बाई अल्फा टू इज इक्वल टू बीटा सॉरी अल्फा वन बाई बीटा वन इज इक्वल टू अल्फा टू बाई बीटा टू आएगा। ठीक है, अल्फा टू बाई बीटा टू अगर रेशियो सेम आ जाते हैं तो डायरेक्ट मेरा ये आप फॉर्मूला लगा दोगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना, दो रूट दो इक्वेशंस आ गई, सेम रेशियो, सेम रेशियो की बात कर दी, और लेमडाब आप सोचोगे यार इसका रूट निकालो इसका रूट निकाले, सेम रेशियो मतलब क्या आ गया पेपर के अंदर, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दोगे, ये मेरा क्या आ जाएगा ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। ठीक है, यहां से मेरा ए वन आ गया मेरा टू, बी वन मेरा आ गया थ्री, सी वन मेरा आ गया वन, यहां से मेरा ए टू मेरा वन आ गया इसका कोफिशियंट, बी टू मेरा आ गया माइनस वन, ठीक है, सी टू मेरा आ गया लेमडा। इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे बी वन का स्केयर, बी वन का स्केयर क्या आ जाएगा नाइन, बी टू का स्केयर, बी टू का स्केयर वन नहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू ए वन इंटू सी वन, ए वन इंटू सी वन मतलब टू ही आ जाएगा, ए टू इंटू सी टू, ए टू इंटू सी टू मतलब लेमडा, तो डायरेक्ट लेमडा इधर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू मेरी आ गई टू बाई नाइन। ठीक है, लेमडा की वैल्यू मेरी आ गई टू बाई नाइन, डायरेक्ट आ गया ना। ठीक है, ऐसा एक और है, इफ वन रूट ऑफ द, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज के टाइम्स द अदर रूट, वो ऐसा बोलता है कि कोई एक इक्वेशन है उसका एक रूट है, बट जो कोई सेकेंड इक्वेशन है उसका रूट जो है ना पहले वाले इक्वेशन के रूट का चार गुना है, पांच गुना है, दस गुना है, पचास गुना है, के टाइम्स है, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ये बनता है, और आप पीछे वाले क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, जैसे हमने सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके, वो भी एक तरीका है, बट डायरेक्ट आपका है k प्लस वन सारे का स्क्वायर अपॉन b के इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन ac, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लो, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज थ्री टाइम, यहां पे देखिए थ्री टाइम अदर है, तो दूसरी इक्वेशन जो है मेरी क्या बनेगी, या लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस लेमडा की वैल्यू क्या हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पे देखिए ए बी सी उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, k मेरा क्या है, k इज इक्वल टू थ्री टाइम हो रहा है, थ्री टाइम हो रहा है, तो थ्री प्लस वन का स्केयर अपॉन में क्या आ जाएगा, के मतलब थ्री ही आ जाएगा, इज इक्वल टू बी स्केयर बाई ए सी, बी स्केयर मतलब थ्री का स्केयर नाइन अपॉन में ए सी, इसका ऑप्शन वन है, इसका लेमडा, तो लेमडा डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया सिक्सटीन अपॉन में थ्री, और लेमडा इधर चला जाएगा तो थ्री इधर चला जाएगा, नोतिया सत्ताईस अपॉन में आ जाएगा मेरा सिक्सटीन इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा की वैल्यू मेरी डायरेक्ट आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना, कोई बात नहीं। तो मेन मुद्दा था हमारा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के पेपर के अंदर, तो ये डायरेक्ट आपने शॉर्टकट्स इसके ध्यान में रखने हैं, एक दो बार करोगे तो ध्यान में आ जाएगा। अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशंस बनाते रहो और जो है ना तीन चार क्वेश्चन कर लोगे तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन,
क्या इसके ग्राफ के बेस पे हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे उसमें जो है इक्वेशंस क्वाड्रेटिक देके आपको मैक्सिमम पूछता है, मिनिमम पूछता है, या उसका वर्टेक्स पूछ लेता है, या वो ये पूछ लेता है कि अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, वो सारी चीजों पे हम जो है ना अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम कॉमन जो है ना इसकी इक्वेशन जो जनरल फॉर्म लेते ही आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए बी सी जहां रियल से बिलोंग कर रहे हैं, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो है तभी तो वो क्वाड्रेटिक बन रही है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो इसमें जो है ना ये पैराबोला शेप बनता है हमेशा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पैराबोला शेप बनेगा हमेशा, सिमेट्रिक बनेगा। कैसे? वो डिपेंड करेगा कि ए जो है ग्रेटर देन जीरो है या ए लेस देन जीरो है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है, तो वो अपवर्ड बनेगा, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, पहली कंडीशन। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये है कि डी, डी पे डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसा लगा देता हूं, डी मेरा ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, डी मेरा इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, डी मेरा लेस देन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तीनों कंडीशन है ऐसे ही बनेंगी, ऐसे ही ये बनती चली जाएंगी और यहां पे ऐसे, ठीक है, समझ में आती है बात। तो यहां डी अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आपको ध्यान में है कि मैंने अभी आपको नेचर जो करवाया था, नेचर उसका क्या था कि वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट देगा हमें, रियल और डिस्टिंक्ट रूट मतलब दो रूट, दो रूट अगर देगा, एक्स के दो रूट आएंगे तो एक्स के दो पॉइंट पे वो कट करेगी, ठीक है, जो वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस टाइप से बनेगा, दो पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड बना, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है बट ए लेस देन जीरो है तो वो इस टाइप से बनेगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, इसको यहां तक ले जाते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा, फिर ऊपर बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से दो पॉइंट पे कट करेगा। अब ए ग्रेटर देन जीरो है, डी जीरो है, डी डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है यहां पे मैं लिख देता हूं फिर से, डी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब आपको पता श्रीधराचार्य मेथड के अंदर हमने जब किया था, डी जीरो है तो रूट्स रियल होते थे और इक्वल होते थे, इक्वल रूट होंगे तो जो है अपवर्ड तो बनेगा ही बनेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा यहां पे, ठीक है, और ये सिमेट्रिक होगा, यहां पे बीच वाली जो वाई एक्सिस जो आएगा ना उसके सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट होगा, ठीक है, वो ज्यादा आपके काम की बात नहीं है, मेन मुद्दा यही है, ठीक है। और ये डाउनवर्ड बनेगा और यहां पे एक ही पॉइंट पे कट करेगा जब मेरा डी जीरो है, जब मेरा डी लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट बनते थे, तो इमेजिनरी रूट में एक्स क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, एक्स पे कट करेगा ही नहीं, तो मेरा बनेगा तो अपवर्ड ऐसे ही, ठीक है, पैराबोला शेप में, कहीं भी कट नहीं करेगा, ठीक है, यहां ऐसे नीचे बनेगा और कहीं भी कट नहीं करेगा। अब आपको सारी की सारी फिगर्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि a ग्रेटर देन जीरो है और d पे डिपेंड करेगा, a लेस देन जीरो है d पे डिपेंड करेगा, बट a लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड बनते जाएंगे, a ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड बनते जाएंगे। अब हमारा एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप d वाला हो गया, तीसरा स्टेप क्या कहता है कि उसका वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है ना, उसका वर्टेक्स क्या होगा। तो यहां पे देखिए ये उसका वर्टेक्स होगा, ठीक है, तो वर्टेक्स होगा इसका बिल्कुल मिडल पॉइंट, जहां पे अगर वो अपवर्ड बन रहा है, ठीक है, तो उसका जो है बिल्कुल मिनिमम पॉइंट, और डाउनवर्ड बन रहा है ऐसे तो उसका मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मिडल वाला। तो वर्टेक्स जो होगा मेरा माइनस बी बाय टू ए और माइनस डी बाय फोर ए, ठीक है, माइनस बी बाय टू ए माइनस डी बाय फोर ए, ऐसे ही वर्टेक्स सभी में सेम रहेगा, माइनस बी बाय टू ए माइनस डी बाय फोर ए, ठीक है, ऐसे ही इसमें वर्टेक्स रहेगा माइनस बी बाय टू ए माइनस डी बाय फोर ए, ठीक है ना, तो ये वर्टेक्स हमारा रहेगा माइनस बी बाय टू ए
और माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी, डी क्या है मेरा बी स्केयर, माइनस फोर ए सी है तो फोर ए सी माइनस बी स्केयर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही वर्टेक्स इसमें भी सेम रहेगा, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर, ठीक है, ऐसे ही इसमें वर्टेक्स रहेगा माइनस बी बाई टू ए, ठीक है, ऐसे ही इसमें वर्टेक्स रहेगा ठीक है। चार चीजें थी, एक तो एक पहला स्टेप ए बड़ा है मतलब जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, दूसरा स्टेप डी हमने देखना है डी ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है, थर्ड स्टेप हमने क्या देखना है उसका वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स आ गया। फोर्थ स्टेप वैसे होता है कि वाई एक्सिस कहां पे बनेगी, इधर बनेगी इधर बनेगी इधर बनेगी, वो वैसे आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, इसी से ही आपका काम चल जाता है और इसी से ही हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे आगे चल के, आगे चलते हैं हम ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो आगे हम बताते हैं, अब हम बात करते हैं, पहले इसका ग्राफ समझ लेते हैं। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर है, अब यहां पे देखिए पहले तो a हमने देखना है, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है हमने a देखना है, a जो है मेरा ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो, तो a इज इक्वल टू क्या है माइनस वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि लेस देन जीरो है, मतलब क्या बनेगा मेरा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउन डाउनवर्ड जो भी है आप देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। सेकंड स्टेप मेरा क्या था डी चेक करना, तो डी अगर मैं चेक करता हूं बी स्केयर 25 आ रहा है, माइनस फोर ए सी माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा 16, माइनस फोर ए सी हाँ 16 आ जाएगा, तो ये मेरा ग्रेटर देन जीरो बना वैसे तो, ठीक है 9 बना ग्रेटर देन जीरो है, डी मेरा ग्रेटर देन जीरो है और ए मेरा लेस देन जीरो है, मतलब ए लेस देन जीरो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है ये बना दिया, ये लो जी डाउनवर्ड बना दिया। डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे, मतलब दो जगह पे काटेगा, दो जगह पे काट दिया ठीक है। अब हमारा थर्ड जो है हमारा क्या था, यहां पे देखिए ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स मेरे क्या क्या बनेंगे यहां पे, माइनस वर्टेक्स मेरे क्या है माइनस बी बाय टू ए और माइनस डी बाय फोर ए, तो वर्टेक्स मेरे क्या हो गए माइनस बी बाय टू ए, माइनस बी करेंगे फाइव माइनस फाइव अपोन में टू ए, माइनस का टू हो जाएगा, ए मेरा माइनस वन है तो माइनस फाइव अपॉन में माइनस टू, माइनस फाइव अपॉन में माइनस टू प्लस ही हो जाएगा, माइनस डी डी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी करेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट यहां पे निकाल लेंगे ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा बी स्क्वायर डी निकाला ही हुआ है नाइन आ गया ठीक है, डी क्या आ रहा है मेरा नाइन आ रहा है, तो माइनस नाइन अपॉन में फोर ए फिर से मेरा माइनस फोर, ये प्लस का हो गया, फाइव बाई टू और 9 बाई फोर मेरे वर्टेक्स हो गया ठीक है। वैसे इतना ही पूछा जाता है, वर्टेक्स पूछ लेगा या अपवर्ड डाउनवर्ड पूछ लेगा, डाउनवर्ड बन रहा है या वो कितने पॉइंट पे काट रहा है तो दो पॉइंट पे काट रहा है, ये सारी चीजें होगी। फिर भी वाई एक्सिस वैसे पूछता नहीं है, निकालनी हो तो क्या वाई एक्सिस के लिए क्या होता है, जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा जहां पे एक्स जीरो होगा, तो वाई एक्स पे जहां पे पॉइंट होगा तो एक्स जीरो होगा, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे जब, तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया माइनस फोर, तो मतलब एक्स जीरो है वाई माइनस फोर है माइनस फोर के ऊपर बन रहा है, और इधर किस साइड बन रहा है वो चीज हमने अभी देखनी पड़ेगी, एक्स जीरो है वाई माइनस फोर है, एक्स जीरो है भाई ठीक है, मान लीजिए यहीं पे जीरो था ठीक है, और वाई माइनस फोर है ऊपर कहीं ना कहीं माइनस फोर होगा ठीक है, बट यहां पे एक और चीज निकालेंगे, जब वाई में जीरो पुट करता हूं तो x की मेरी इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी मेरी y जीरो पुट करता हूं तो माइनस एक्स के प्लस फाइव एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, फोर और वन आ जाएगा ठीक है, फोर और वन पॉजिटिव आ जाएंगे और यहां पे माइनस फोर माइनस वन आएगा ठीक है, माइनस फोर माइनस वन, तो x की वैल्यू वन और फोर आ गई, जब मेरा y जीरो है वन और जीरो पे और फोर और जीरो पे ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्या आ गया वन जीरो और ये मेरा पेयर फोर और जीरो ठीक है।
समझ में आती है बात, ये चीज आ गई, ये पॉइंट मेरे आ गए, बस इतना ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता। मेन मकसद वो उसने मैक्सिमम और मिनिमम पूछना ही है, या वर्टेक्स पूछना है, या जो है ना इस इक्वेशन से ये पूछना है कि कितने पॉइंट पे काटता है, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू जब जीरो है तो वाई इज इक्वल टू माइनस फोर है, तो यहां देखिए ये वन और जीरो है, मतलब थोड़ा सा इधर खिसक रहा है, तो जीरो यहां पे होगा, जीरो और माइनस फोर इस टाइप से कुछ ना कुछ बनेगा हमारा, ठीक है। ये इस टाइप से जाएगा, थोड़ा इस टाइप से मेरा बनेगा, समझ में आ गई। ये भी प्लॉट करना आ गया, आप कोई भी इक्वेशन आ जाए आपके सामने, ये तीन चार स्टेप है, उससे जो है ना आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी से ही एक और चीज निकलती है कि अगर डी मेरा लेस देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर ए लेस देन जीरो है तो एफ एक्स लेस देन जीरो होगा। ऐसे ही यहां पे देख लीजिए, d जीरो है तो ये दोनों कंडीशन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे नहीं करवा रहा मैं आपको, d ग्रेटर देन जीरो है और a भी ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जहां पे x बिलोंग नहीं करेगा अल्फा बीटा के, क्लोज इंटरवल से, ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा, और ये कंडीशन होगी, ठीक है। और ये मतलब ये दो दो कंडीशन इकट्ठी दी गई है, इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल, पहले तो a देखो, यहां पे a ग्रेटर देन 0 है, इसका कोएफिशिएंट डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर मतलब 16, चौकी चौकी 16 माइनस 4ac 4 8 32 32 मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 मतलब d लेस देन 0 आ रहा है, d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन, d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन, ऊपर वाला है, ऊपर वाली कंडीशन है, तो fx ग्रेटर देन 0 होगा। डायरेक्ट पेपर के अंदर ऑप्शन के अंदर होता है कि fx ग्रेटर देन 0, ठीक है, fx ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये कंडीशन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो और फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, डायरेक्ट पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसके अंदर देखिए ए ग्रेटर देन जीरो है और डी क्या है मेरा 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, d भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाली कंडीशन आ गई, थर्ड वाली, थर्ड वाली में a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, तो ये तीनों कंडीशंस लगेंगी, क्या-क्या लगेंगी, fx ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 जब मेरा अल्फा और बीटा इसके रूट निकालने पड़ेंगे, तो 6 जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 करें, मतलब 6 आए 1 और 5 सॉरी 1 और 6 1 और 6 आएंगे, तो दोनों की प्लस प्लस का 1 प्लस का 6 माइनस का 1 माइनस का 6 2 3 5 बनाना है ना हमने, यहाँ पे दो और तीन, दो तीन छह, दो टुकड़े बनेंगे, तो अल्फा आ जाएगा मेरे पास माइनस 2, बीटा और बीटा आ जाएगा मेरे पास माइनस 3। आप करके देख लो और जो है जोड़ेंगे एडिशन में 2 और 3, हाँ यही आएंगे, ठीक है, दो आगे रूट। तो ये वाली ऑप्शन के अंदर तीनों ऑप्शन में से कोई भी आ सकता है, ये आ सकता है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 फॉर x not belong to, x not belong to minus 2 minus 3 का क्लोज इंटरवल से, और fx क्या आ जाएगा greater than 0, क्योंकि greater than की बात हो रही है ना, greater sorry less than 0, less than 0 आ जाएगा यहां पे, क्यों, क्योंकि यहां देखिए ए अगर जीरो से बड़ा है तो ये ऊपर दो कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, ऊपर वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही था, ठीक है। यहां पे देखिए लेस देन जीरो फोर एक्स बिलोंग टू अल्फा बीटा मतलब माइनस टू माइनस थ्री, ओपन इंटरवल आ गया, ठीक है, मतलब माइनस थ्री पहले आ जाएगा, वैसे अगर देखा जाए माइनस थ्री पहले आ जाएगा क्योंकि वो बड़ा होगा इसीलिए, तो यहां पे ये चीज भी थोड़ी सी सही कर लेना, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, जब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा फोर, जीरो कब होगा, सिंपल सी बात है, जब रूट होंगे, तो फोर एक्स इज इक्वल टू जब माइनस टू होगा और माइनस थ्री होगा, पुट करके देख लो जीरो हो रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन को एक बार मैं चेक कर लेता हूं, फिर भी यहां पे
एक छोटी सी मिस्टेक है वो हटा देते हैं हम। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो है ठीक है, और यहाँ पे ये वाला लगा हुआ है सिंबल ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन ठीक है, दो दो कंडीशन है ये वाली। समझ में आ गई बात, अच्छे से समझ में आ गया ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने। अब यही जो हमने क्वाड्रेटिक के अंदर ये ग्राफ वगैरह किया और डी ये जो वर्टेक्स निकाले थे, वर्टेक्स से ही हम मैक्सिमम और मिनिमम का अनुमान लगा सकते हैं। पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आता है इसका, अगर मेरा ए जीरो से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, ए जीरो से छोटा है तो मैक्सिमम। उल्टा है, अगर फर्स्ट टर्म मतलब जो हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट है वो बड़ा है जीरो से, पॉजिटिव है तो मिनिमम देगा, अदरवाइज मैक्सिमम देगा ठीक है। क्योंकि अगर जीरो से बड़ा है तो यहां देखिए सिंपल सी बात है, अगर जीरो से बड़ा है तो वो मिनिमम दे रहा है नीचे, और जीरो से छोटा है तो वो यहां पे जो है ना टॉप वैल्यू दे रहा है, ऊपर की वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। समझ आ गई। तो और एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई फोर है, जो वाई की वैल्यू है, वाई का ही हमने देखा था, वो वाई कोऑर्डिनेट पे ही था, y के वर्टेक्स ही, वर्टेक्स जो था x और y दो कोऑर्डिनेट थे, तो y पे ही बन रहा था माइनस डी बाई ए है, बस बात खत्म। fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां पे fx लेस देन इक्वल टू जीरो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इफ x इज ए रियल देन डिटरमाइन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हमें नहीं पता मैक्सिमम या मिनिमम। यहां देखिए इसने गड़बड़ क्या किया है, इस इक्वेशन को ना पीछे लिख दिया x का कोफिशियंट, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस 4x² + 20x + 5। इसका कोफिशियंट a इज इक्वल टू क्या है, माइनस 4 लेस देन 0 है, लेस देन जीरो मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम नहीं दे सकता, माइनस डी बाय फोर ए, माइनस डी वही बात, डी निकाल लेंगे यहां से, यहां निकाल लेता हूं मैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 400 आ गया, माइनस फोर ए सी, माइनस माइनस प्लस चौकी चौकी 16 16 5 80 ठीक है, जो भी आएगा 320 आ जाएगा ठीक है। तो माइनस का 320 डी आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा, माइनस का 16 ठीक है, 16 2 32 20 मेरा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम ठीक है ना। फिर भी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, माइनस 4a सीधा प्लस का आ जाएगा ना, तो 480 बन जाएगा यहाँ पे, मेरे को लग रही थी गड़बड़, कोई बात नहीं, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 480 ठीक है, माइनस माइनस दोनों प्लस 30 मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने नहीं करनी पेपर के अंदर। व्हाट इज द रेंज ऑफ द वैल्यू, अब रेंज अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x² + 9 ले लेना, इसको इधर ले आना है, तो हो जाएगा मेरे पास y² + 9y - x = 0, तो इसके अंदर आ गया y² - x + 9y = 0। तो जब भी रेंज की बात करेगा ना, तो हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख देना है ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा मेरा, b² - 4ac > 0, तो b² यहां पे 1 ही हो जाएगा ठीक है, माइनस 4ac, तो यहां पे हो जाएगा 1 - 4ac, 36y > 0, मतलब 36y, अगर उधर मैं इसको उधर भेज दूं तो यहां पे हो जाएगा मेरा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनक्वालिटीज चेंज हो जाती है। तो वाई की वैल्यू यहां से मेरे पास कितनी आ गई, एक सेकंड यहां कोई गड़बड़ है, b² - 4ac, वाई इंटू वाई है तो y² बनेगा यहां पे ठीक है, y² लेस देन इक्वल टू 1/36, तो y लेस देन इक्वल टू 1/6 आ गया ठीक है, तो 1/6 आ गया, तो y की जो वैल्यू है मेरी कहां से कहां तक, -1/6 से 1/6 तक इसकी रेंज आ गई ठीक है। समझ की बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल के अंदर अगर आ जाए तो उसकी इक्वेशंस क्या होती है, जनरल फॉर्म उसकी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस क्या है मेरे पास बी वाई, यहां ऐसे याद रख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी, जैसे मर्जी याद रख लो, इस टाइप से होगी, इसी से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर रैशनल फैक्टर, यहां देखिए ये चीज अगर उसे बनाने के लिए अगर वो है टू वेरिएबल के अंदर है, उसको कैसे सोल्व करना है, उसके लिए हमें ये कंडीशन फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको और आसान बनाते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे ए यहां पे बी यहां पे सी ऐसे लगा दो, याद रहेगा ए बी सी यहां पे एफ जी एच, यहां से स्टार्ट करो एफ जी एच इज इक्वल टू जीरो, ये सेम है, ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम है, ये कंडीशन में पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, m की किस वैल्यू के लिए ये जो मेरी है जो मेरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टू वेरिएबल के अंदर दे दिया उसने, कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू रैशनल फैक्टर्स, इसको हम सोल्व कर पाए m की किस वैल्यू के लिए, तो इसके अंदर डायरेक्ट आपने पुट कर देना है। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, पहले इसको कंपेयर करना है इससे, ठीक है, ए बी सी एफ जी एच निकालने हैं, उसके अंदर पुट कर देना है, इज इक्वल टू जीरो रख देना है। तो यहां से सबसे पहले वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो बात कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी वन, ठीक है, टू एच एक्स वाई, टू एच एक्स एक्स वाई, तो टू इज इक्वल टू टू एच आ गया, एच इज इक्वल टू क्या आ गया वन, ठीक है, टू एक्स, टू एक्स है तो टू टू जी एक्स, टू जी इज इक्वल टू जी, तो जी इज इक्वल टू भी क्या आ गया मेरे पास वन आ गया। एम वाई यहां पे देखिए y कहां पे, ये रहा, ठीक है, एम वाई एम इज इक्वल टू टू एफ आ गया, तो f की वैल्यू m बाई टू आ गई, ठीक है, और उसके बाद यहां पे माइनस थ्री, माइनस थ्री c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का थ्री, ठीक है, ठीक है, तो ये हम सारा इसके अंदर पुट कर देंगे, ए की वैल्यू मेरी वन आई है, ए बी सी ऐसे पुट करना होता है, मैंने आपको बोला था, बी की वैल्यू देखिए यहां से क्या ये बी वाई स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं भी ए की वैल्यू यहां पे एक्स स्क्वायर से कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, बी वाई स्क्वायर बी की वैल्यू यहां पे मेरी वन आ गई, ठीक है, तो यहां पे ए की वैल्यू मेरी है जीरो, ठीक है, b की वैल्यू मेरी है 1 और यहाँ पे उसके बाद है c की वैल्यू मेरी है माइनस थ्री, उसके बाद f g h, f की वैल्यू है मेरी m बाई टू, g की वैल्यू मेरी 1, h की वैल्यू मेरी 1 और यहाँ पे फिर वही f g और h इज इक्वल टू जीरो रख दो। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लास्ट में आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ रहा है m इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर ही लोगे, आसानी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू जीरो रख दो, m की वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो इस टाइप से, इस टाइप का क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, जब भी आपके पास आ जाए टू वेरिएबल के अंदर, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, या तो ये कंडीशन याद रख लो डायरेक्ट पुट कर दो, या ये वाला याद रख लो, ये आसान है, ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंटेनिंग मॉडुलस साइन, अगर मॉडुलस साइन के अंदर आ जाए, अभी देखिए हमें जो भी क्वेश्चन, जो भी हम थ्योरी सारी पढ़ रहे हैं उसके साथ एक एक या दो दो एग्जांपल कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का मॉडुलस आ गया, तो उसको कैसे करेंगे, तो मोड आपको पता है मॉडुलस जो होता है वो किस किस के अंदर जाता है, माइनस एक्स और प्लस एक्स, माइनस एक्स कब, जब एक्स लेस देन जीरो है, प्लस एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस जब जब मेरा एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव आएगा, तो बाहर माइनस पड़ा है, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, जब मेरा एक्स नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब मैं आगे नहीं करवाने वाला, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, चार रूट आपके आ जाएंगे, बट यहां प्रॉब्लम क्या है,
इसीलिए मैं आपको करवाना करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर के अंदर वो चार रूट जरूरी नहीं है कि वो सेटिस्फाई करते हों, ठीक है। तो इसीलिए पेपर के अंदर एक चीज आप हमेशा भूल जाते हो और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो, वो क्या है इसको पहले सोल्व कर लो, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी जो भी है, देख लो माइनस थ्री है ना, तो ये टुकड़े बन जाएंगे मेरे, माइनस थ्री करोगे तो माइनस टू, और माइनस थ्री प्लस वन कर लो, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस थ्री एक टुकड़ा, और एक आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वन, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास थ्री, एक बार आ जाएगी माइनस वन, ठीक है। तीन तीन नौ और तीन दूनी छः, कट रहा है, सही है। माइनस वन वन पुट करोगे वन आ जाएगा, और माइनस करोगे टू आ जाएगा, थ्री थ्री, सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा बन रहा है टुकड़े माइनस थ्री है और यहाँ पे प्लस के हैं, तो दोनों माइनस के बना लो, माइनस टू एक्स माइनस प्लस का थ्री एक्स बना लो, प्लस का 3x माइनस का x और गुणा करोगे तो माइनस थ्री बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ बन जाएगा मेरा x प्लस थ्री और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और वन, दो टुकड़े यहाँ पे मेरे आगे। माइनस थ्री पुट करोगे तीन तीन नौ, माइनस छः छः और तीन दूनी छः, कट रहा है, सही है। वन पुट करोगे तो ये भी कट रहा है, सही है। तो अब चार टुकड़े आ गए, अब आपको लगेगा यार चार रूट आ गए इसके, ठीक है, मॉडुलस वाला था, चार रूट आने ही थे आगे, बट पेपर के अंदर आपका जो आंसर दिया हुआ ना उसने बोला होगा कितने रूट्स हैं, एक रूट है, दो रूट है, तीन रूट है, चार रूट है, बट जरूरी नहीं है कि आपके चार रूट आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपको फिर से दोबारा इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखना है कौन सा रूट सेटिस्फाई कर रहा है। तीन पुट करोगे यहां पर इस इक्वेशन के अंदर, हमने देखा है तीन पुट करोगे, तीन तीन नौ माइनस, ये मॉडुलस के कारण पॉजिटिव रहेगा, वैसे ही पॉजिटिव है, तीन दूनी छह माइनस थ्री इज इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, जब मैंने थ्री रखा, x इज इक्वल टू, जब मैंने वन माइनस वन रखा तो यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे फिर से माइनस टू आ गया क्योंकि मॉडुलस के कारण, और यहाँ पे माइनस थ्री, तो जीरो नहीं आ रहा, तो x इज इक्वल टू वन नहीं हो सकता, सॉरी माइनस वन, x इज इक्वल टू माइनस वन रखा तो ये वाला जो है ना, ये वाला रूट नहीं बन सकता। ऐसे ही वन जब रखूंगा मैं, x इज इक्वल टू जब मैं वन रखूंगा तो यहां देखिए वन माइनस टू प्लस थ्री नॉट इज इक्वल टू जीरो है, तो ये भी नहीं बन सकता। x इज इक्वल टू जब मैं माइनस थ्री रखूंगा तो ये बन जाएगा, तो दो ही रूट इसके बने, थ्री और माइनस थ्री, ठीक है। तो दो रूट बने, माइनस थ्री और थ्री, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पेपर के अंदर, यहां बड़ी गलतियां होती है। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बेस पे, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक है। तो देख लेता हूं मैं, हाँ बाकी कोई स्लाइड नहीं है। और मिशन डीएसएस भी, ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे ये फ्री ग्रुप है सभी के लिए, पेड स्टूडेंट के लिए तो अलग ग्रुप होते हैं, बट ये सभी के लिए फ्री ग्रुप है, सारे ज्वाइन कर लेना, इसमें जो है टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जो हम बात करें कि ये सारे जो है ना फीचर्स आपको मिल ही रहे होंगे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो नंबर आपको स्लाइड के अंदर दिखता रहता है। उसके बाद स्टोर टैब में जाओगे तो आपको कोर्स मिल जाता है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। अगर आपको आईफोन के अंदर चलाना है तो माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और एमडी डाल दो, तो आपको जो है ना इसके अंदर चल जाएगा आईफोन के अंदर। और उसके बाद अगर आपको लैपटॉप में चलाना है तो web.classplusapp.com और ऑर्गेनाइजेशन कोड एमडी डाल दोगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।